हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? आई होप आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं, जब आप WhatsApp पे जाते हैं तो जैसे ही आप WhatsApp पे जाते हैं तो यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस देखने के लिए मिलता है। दोस्तों यहाँ पर देखिए रिक्वेस्ट अकाउंट इन्फो। दोस्तों ये ऑप्शन काफ़ी देखने के लिए मिला है और बहुत सारा WhatsApp में ये ऑप्शन देखने के लिए मिला है, क्योंकि ये हमें भेजा जाता है तभी मेरे को ये ऑप्शन दिखता रहता है। जब तक भेजा नहीं जाएगा यहाँ पर रिक्वेस्ट वाला ऑप्शन नहीं देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। तो दोस्तों इसको किस तरह से सही करना है और कैसे करना है दोस्तों आज की इस वीडियो में पूरा फुल डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पर आ जाना है WhatsApp में। WhatsApp में आने के बाद दोस्तों यहाँ पर राइट साइड में 3 डॉट का ऑप्शन देता होगा, इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर सेटिंग पे क्लिक कर देना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर अकाउंट लिखा हुआ है, अकाउंट पे क्लिक कर देना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए सबसे नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है अकाउंट रिक्वेस्ट अकाउंट इन्फो, इस पर क्लिक कर देना है। इस पर आप जैसे ही आप क्लिक कीजिएगा दोस्तों यहाँ पर ओपन हो जाएगा, ठीक है। मेरा यहाँ फर्स्ट ऑप्शन आ रहा है रिक्वेस्ट अकाउंट रिपोर्ट। दोस्तों ये रिक्वेस्ट अकाउंट रिपोर्ट का मतलब ये होता है कि आपके अकाउंट में कोई जो है ना रिपोर्ट किया है, ठीक है, मतलब आपके WhatsApp पर जो है ना कोई रिपोर्ट किया है। जैसे कि आप YouTube चैनल चला रहे हैं और किसी को भी रिपोर्ट करना रहता है तो वहाँ पर रिपोर्ट करता है तो आपका चैनल क्या होता है कि स्लो हो जाता है, उसी तरह से यहाँ पर होता है। दोस्तों यहाँ पर WhatsApp में जो कोई भी अगर रिपोर्ट करेगा, अगर रिपोर्ट के आप एक्सेप्ट कर लिए तो आपका जितना भी डाटा होगा सब उसके फ़ोन में दिखना शुरू हो जाएगा, ठीक है। जितना भी चैट किए होंगे, जितना भी नंबर होगा, सभी के सभी उसके फ़ोन में जो है ना शो होना शुरू हो जाएगा। जैसे कि जो आप WhatsApp चलाते होएगा उसमें जितना भी कॉन्टैक्ट नंबर होगा पूरा का पूरा उसके फ़ोन में सेव हो जाएगा, ठीक है। सेव हो जाएगा तो जो चाहेगा वो कर सकता है आपके WhatsApp में, ठीक है। तो दोस्तों यही कारण है कि अक्सर लोग जो है ना एक्सेप्ट नहीं करता है। तो दोस्तों अगर आपका भी रिक्वेस्ट आया है तो एक्सेप्ट नहीं करना है, ठीक है। तो दोस्तों यही है, ठीक है, यहीं पर से एक्सेप्ट नहीं करना है, बस आपका सही हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट करके ज़रूर बताएं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।